तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे बना सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम को कैसे चालू करते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। अगर दोस्तों आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी जो है ओपन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो, तो कैसे आप लोग बना पाएंगे, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग जो है इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाना जानते हैं, न्यू फोन लेने के बाद दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि हम भी इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह देखें, ठीक है, बट होता है क्या दोस्तों, हमें अकाउंट ही नहीं बनाने आता है, हम अकाउंट ही नहीं बना पाते हैं, तो हम कैसे जो है इंस्टाग्राम को यूज करें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हाँ अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है आप लोग मास्टर हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, ध्यान से वीडियो को देखेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीदो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। आपको जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए अपने जो है इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों जैसे आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अगर पहले से अकाउंट होगा तो आप लोग यहाँ पर डाल के ऑन कर सकते हैं, बट हमें तो अभी जो है न्यू अकाउंट बनाना है, मतलब फर्स्ट अकाउंट, तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए, जिस पर दोस्तों एक OTP जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम उस मोबाइल नंबर को डाल देते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। हमने दोस्तों मोबाइल नंबर को डाल दिया है और ब्लर भी कर दिया है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, फाइनली कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है अभी ये जो है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये लॉगिन हो रहा है। एंड दोस्तों जैसे लॉगिन होता है उसके बाद आई का प्रोसेस क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करते फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारे फ़ोन पर जो है कोड भी आ चुका है, हमने कन्फर्मेशन कोड डाल दिया, नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों के बाद आपको बोला जाएगा पासवर्ड, तो आपको दोस्तों बता दें पासवर्ड डालते समय आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि दोस्तों जब भी आप लोग पासवर्ड डालिएगा ना, तो उसमें दोस्तों कुछ लेटर में होना चाहिए, कुछ नंबर में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके जो है अकाउंट के साथ कुछ गलत ना हो सके, इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में दे सकते क्रिएट ए पासवर्ड विद एट लीस्ट 6 लेटर और नंबर, ठीक है, इट शुड बी समथिंग दैट अदर कैन गेस, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोलना जा रहा है। तो आपको 6 लेटर का डालना है, लेकिन कुछ उसमें जो है लेटर होना चाहिए, कुछ जो है यहाँ पर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है इस तरीके से लेटर डाल देते हैं, एंड यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से डाल दिए नंबर, ठीक है, हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, फाइनली कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो है अगला इंटरफेस ओपन होगा। एंड जो है दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपना जो है इस तरीके से आएगा, तो आपको सेव योर लॉगिन इन्फो आएगा, तो आपको यहाँ पर एस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से अब जो है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डाल दीजिएगा, सेट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको व्हाट्सएप नेम पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेम भी वही डालना है, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नेम आपको इस तरीके से आपको अपना जो है डाल देना है, जो भी आपका नेम होगा यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर इस तरीके डालने बाद हमने नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा यूजर नेम यहाँ पर जो है आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं ये आपको यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अपना यूजर नेम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आपको इस तरीके से अपना यूजर नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यूजर नेम दोस्तों डालते समय आपको ध्यान रहे कि आपको कुछ जो है, जैसे आप लोग जो है यहाँ पर पासवर्ड डाले हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पर जो है अपना यूजर नेम भी डालना है, कुछ लेटर में, कुछ नंबर में। एंड दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनली जो आपके अकाउंट है आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपके अकाउंट है वो दोस्तों बन के रेडी हो चुके हैं, यानी जो है आपकी आईडी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने का। बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे अकाउंट जो है न्यू बनाया जाता है, तो दोस्तों हमने बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को वीडियो कैसे है कि प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएगा। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।